हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं फिर से आपके लिए एक अमेजिंग और रोमांटिक चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामे में वाइफ हस्बैंड की स्टोरी है, जो कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते और अलग होना चाहते हैं, लेकिन फिर उनको बाद में ये रियलाइज़ भी होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं और वो लोग फिर से अपनी शादीशुदा को लाइफ को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी ये स्टोरी। ड्रामे के स्टार्ट में हम न्यूज़ देखते हैं, जिस न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि वेल नोन फेमस डांसर सुई अब वापस आ चुकी है चाइना और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड हाओ चेन के साथ र्यूमर्स में है कि वो लगातार उनसे मिलती रहती है। इधर हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है मिंग अपने हस्बैंड हाओ चेन को लगातार कॉल कर रही होती है, लेकिन हाओ चेन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता है तो इसलिए वो उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा होता है। एक्चुअली में हाओ चेन वही है जिसके रिगार्डिंग उसकी डांसर फ्रेंड के साथ में र्यूमर्स है और ये न्यूज़ देखकर कि उसकी वाइफ मिंग उस पर गुस्सा होकर फ़ोन कर रही होती है और वो जब फ़ोन नहीं उठाता है तो वो गुस्से में चली जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सुई मिंग से मिलने आती है। वो उसको रिपोर्ट देते हुए ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बेबी का डैड और कोई नहीं बल्कि चैन है। चैन मिंग का हस्बैंड है। तो सुई उससे बोलती है कि तुम खुद समझ सकते हो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि चैन उससे ही प्यार करता है सिर्फ। और यहाँ पे हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। मिंग चेंग के असिस्टेंट को फोन करती है और बोलती है कि उनके पास एक कुरियर पहुंचा है और ये बहुत अर्जेंट है। फिर यहाँ हम ऑफिस में देखते हैं कि चेन का असिस्टेंट उसके पास कुरियर लेके आता है। वो बोलता है कि मिसेस चेन ने आपको भेजा है और वो कह रही है बहुत अर्जेंट है। तो चेन भी उस कुरियर को खोल के देखता है, उसमें डिवोर्स एग्रीमेंट होते हैं जिसको देख करके चेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे गुस्सा भी आ जाता है। वो इमीडिएटली घर पहुँचता है और घर पहुँचने के बाद वो मिंग से पूछता है कि अब तुम ये क्या तमाशा कर रहे हो। तो मिंग उसे बोलती है कि मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। तो चेन बोलता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, फिर से तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं या ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदनी है या फिर कुछ और। तो मिंग उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए सिवाय डिवोर्स के। तो चेन मिंग से कहता है कि मुझे तुमसे कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। तो मिंग भी कहती है कि मैं कोई आर्गुमेंट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि जब तुम और तुम्हारा प्यार मिल ही गए हैं तो मुझे बीच से हट जाना चाहिए और वैसे भी हमने प्रीनुपचुअल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है तो डिवोर्स में कोई इशू नहीं आएगा, ना ही कोई प्रॉपर्टी का डिविजन होगा और ना ही हमारे कोई बच्चे हैं। मेरी जो बची हुई जिंदगी है मैं ऐसे इंसान के साथ बिताना नहीं चाहती हूँ जो मुझे प्यार नहीं करता है, इसलिए हम लोग के लिए बेहतर है कि हम डिवोर्स ले लें। इस पर चेन बोलता है कि हमारी फेल्ड मैरिज का रीजन कोई बाहर वाला नहीं है बल्कि हम लोग हैं, तुम्हें अपने आप में देखना चाहिए कि प्रॉब्लम तुम में है। जिस पर मिंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है अगर प्रॉब्लम मुझ में है तो मुझे डिवोर्स देने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, फिर तो तुम्हें बहुत आराम से मुझे डिवोर्स देना चाहिए। जिस पर चेन भी गुस्से में कहता है कि तुम अपने बारे में सोचो कि तुम शादी के बाद कितना बदल गई हो, तुम सारा दिन बस घर में रहती हो, तुम्हारे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ को लेकर के, बस तुम मेरी माँ बन के रहती हो, ऐसा लगता है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो मिंग को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी कहती है कि तुम भी कितने बदल गए हो, पहले तुम ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए कितना कुछ करते थे, मुझे अटेंशन और टाइम दोनों देते थे, लेकिन अब शादी के बाद तुम सिर्फ ऑफिस ही काम करते रहते हो। फिर चेन कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम कुछ दिन के लिए अलग होकर के देख लेते हैं और अगर हमें लगता है कि शादी कंटिन्यू नहीं रख सकते तो हम डिवोर्स फाइल करेंगे। लेकिन मिंग गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। जिस पर चेन भी गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम कल ही सिविल ब्यूरो चलते हैं और एक दूसरे से आजाद हो जाते हैं। और इस तरह से वो दोनों आपस में लड़ाई करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मिंग अपने ड्रेसिंग रूम में आके बैठती है और रोते हुए खुद से कहती है कि मैंने इस आदमी पे कितना टाइम वेस्ट कर दिया और वो अपने आप को मिरर में देखती है और सोचती है कि सच में वो कितना बदल गई है, पहले वो अपना कितना ख्याल रखती थी और आज वो कितनी ज्यादा एजेड लगने लगी है। फिर वो ऑनलाइन कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स देखने लगती है और उनको ऑर्डर कर देती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे मिंग सुबह उठती है और वो बहुत ही रिफ्रेश माइंड से अपना डे स्टार्ट करने की प्लानिंग करती है। फिर वो वॉशरूम की तरफ जाती है लेकिन वहाँ पे ठोकर लगने की वजह से वो गिर जाती है और गिरने की वजह से उसके सर पे चोट लग के वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद वहाँ पे चैन आता है और चैन उसको मिंग को आवाज़ देता है कि चलो सिविल ब्यूरो चलने का टाइम हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चुपके बैठी हो और तुम अब रिग्रेट कर रही हो मुझसे डिवोर्स देना नहीं चाहती हो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं आसानी से माफ करने वाला नहीं हूँ। और ये कहते हुए उसे ढूंढ रहा होता है कि वो सडनली से देखता है कि मिंग फ्लोर पे पड़ी हुई है और वो मिंग को उठा करके फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि मिंग को होश आता है, होश आते ही वो अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि उसे पेन हो रहा होता है और फिर सडनली सोचती है कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ, मुझे तो स्कूल की स्पोर्ट्स मीटिंग में होना चाहिए था। अभी वहाँ पर चेन आता है और उससे पूछता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें कोई पेन तो नहीं हो रहा है और अब तुम अच्छा फील कर रही हो। तो उससे मिंग पूछती है कि अंकल आप कौन है। तो चेन कहता है अंकल मैं तुम्हारा अंकल नहीं बल्कि हस्बैंड हूँ। तो मिंग कहती है कि आप मेरे हस्बैंड कैसे हो सकते हो। तो चेन कहता है कि ड्रामा क्यों, तुम्हारा फिर से ड्रामा स्टार्ट हो गया, मुझे अंकल क्यों बोल रही हो, मैं तो सिर्फ तुमसे 6 महीने बड़ा हूँ। तो मिंग कहती है कि 6 महीने, मैं तो अभी सिर्फ 18 की हुई हूँ और मेरे जैसी 18 साल की सुंदर लड़की तुम जैसे आदमी से शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। माना कि तुम हैंडसम हो लेकिन तुम मुझे एक नंबर की फ्रॉड लग रहे हो, तो तुम यहाँ से निकलो नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। तो चेन उसके पास आके बोलता है कि मैं हैंडसम हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है। तो उसको मिंग बोलती है यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी और वो तकिया से उसे मारने लगती है। तो चेन भी कहता है कि इस लड़की के हर दिन नए ड्रामे हैं और ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि चेन डॉक्टर से बात करता है, वो पूछता है कि मेरी वाइफ की सिचुएशन कैसी है। तो डॉक्टर उसको बताता है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो जिसको सुनकर चेन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो डॉक्टर उसको बताता है कि जिस तरह से मैडम गिरी है तो हो सकता है कि उनके सर में जो चोट आई है हम MRI स्क्रीन में देख सकते हैं कि उनके ब्रेन में थोड़ी सी इशू है जिसमें कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है और कुछ समय के बाद इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनको बहुत टाइम भी लग जाए, तो आप बेहतर होगा कि उनके साथ में अच्छे से डील करें। फिर हम देखते हैं कि मिंग के रूम में उसकी बचपन की फ्रेंड आती है और वो उसे वहाँ पे ग्रीट करती है।
साथ ही वो उसको चेक करने लगती है कि सब कुछ ठीक तो है, तो वो उसकी आर्म्स, लेग्स और उसका फेस चेक करती है, तो सोचती है कि हाँ चलो सब कुछ ठीक है। और इधर मिंग उसको पहचानने की कोशिश कर रही होती है, तो उसकी फ्रेंड ये सुन के शॉक्ड हो जाती है कि तुम मुझे भी नहीं पहचानती हो। तो मिंग कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पहचानती हूँ तियांग, लेकिन तुम्हारे फेस में इतनी एजिंग कैसे हो गई है, और तुम्हारा फेस इतना मैच्योर कैसे हो गया है, और तुम्हारे फेस में कितनी एजिंग आ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम 18 साल की लड़की हो। तियांग मिंग का ये बिहेव देख करके थोड़ी शॉक्ड रह जाती है, और वो उससे पूछती है कि मिंग तुम इस समय कितने साल की हो। तो मिंग उससे बोलती है कि ओफो, तुम्हें तो हमारे 18 साल का स्लोगन भी याद नहीं है। 18 इयर्स ओल्ड का हमारा स्लोगन है ब्यूटी एट इट पीक्स, हमारी खूबसूरती पे हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर तियांग हंसने की एक्टिंग करने लगती है, और वो बोलती है, ओ वेरी गुड, तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद है। और फिर तियांग आराम से मिंग को बताती है कि मिंग तुम इस साल 18 की नहीं बल्कि 26 साल की हो, और तुमने 3 साल पहले एक बहुत ही हैंडसम आदमी से शादी कर ली है। फिर वो उसको फोटो दिखाती है फोन में उसके और चैन की, जो कि उनकी वेडिंग पिक होती है। उसे देख करके मिंग तो पूरी तरह से शॉक रह जाती है, और वो बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैं सो के उठी तो मैं 18 साल की सिंगल अनमैरिड लड़की से ये 26 साल की मैरिड लड़की कैसे बन सकती हूँ, और तो और मैं इस आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ, इस आदमी से जिसको मैं लाइक भी नहीं करती हूँ, और तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुमने मुझे इस तरह से शादी कैसे करने दी, आखिर शादी तो एक बड़ी चीज होती है, हमें मिलकर सोच के समझ के करना चाहिए, तुमने ऐसा कैसे करने दिया। तो तियांग बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तुम दोनों ने किसी की सुनी नहीं और तुम लोगों ने फौरन शादी कर ली। मिंग बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं हुचन से शादी कर लूं, मैं तो उससे शादी करना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो उस लड़के से शादी करना चाहती थी जिसे मैं लाइक करती थी कॉलेज में। और मिंग ये बोली रही होती है कि तभी वहाँ पे चैन आ जाता है, और वो जेलस होकर पूछता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो तुम किससे शादी करना चाहती थी, और उसको मिलकर के तियांग हाय कहती है, और वो बोलती है मुझे लगता है कि मुझे निकलना चाहिए, ये तुम दोनों के वाइफ हस्बैंड का बीच का मैटर है, और ये कहकर वहाँ से निकल लेती है। फिर चैन मिंग से बोलता है कि तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट में ये लिखा है कि तुम दिमाग से थोड़ा हिल चुकी हो। तो मिंग कहती है कि जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी मैं उसी दिन दिमाग से हिल गई थी। ये सुनकर चैन को और गुस्सा आ जाता है, फिर वो मिंग से कहता है कि रही बात डिवोर्स की तो वो तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद हम ले लेंगे। पर मिंग कहती है कि मैं तुमसे क्या डिवोर्स लेना चाह रही थी। तो चैन को लगता है कि वो रिग्रेट कर रही है, तो उससे पूछता है कि क्या आप रिग्रेट कर रही हो। तो मिंग उससे कहती है कि ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, इतनी खुशी की बात है इसके लिए वेट क्यों करना, हम अभी भी तो जा सकते हैं डिवोर्स लेने के लिए। तो चैन कहता है कि तुम औरतों का दिमाग सच में खराब होता है। फिर मिंग बोली कि मुझे तुम अजीब लगी रहे हो शुरू से, इसी वजह से शायद मैं तुमको डिवोर्स देना चाहती हूँ। तो चैन कहता है कि तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है, डॉक्टर की रिपोर्ट सही आई है। जिस पर मिंग को गुस्सा आता है, वो उसको फिर से पिलो से मारने लगती है, और फिर से यहाँ पे इन दोनों की कैट फाइट शुरू हो जाती है, और दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। और इसी बीच में चैन का सेक्रेटरी आता है और उसको वहाँ से रोकते हुए ले जाता है, और उसे बताता है कि आपका राइवल फू युनजुन मैडम की इस कंडीशन का फायदा उठाना चाहता है, और वो आपके बारे में कुछ गलत मीडिया में प्रेस करना चाहता है कि आपने अपने अफेयर के चलते अपनी वाइफ को छोड़ दिया है और स्किन की ये हालत हो गई, और इस तरह से वो के बारे में नेगेटिव इमेज बनाना चाहता है प्रेस और मीडिया के सामने। और इस समय चारों तरफ प्रेस बहुत ज्यादा चौकन्नी है आपको और आपकी वाइफ को लेकर के, वो हो सकता है कि हॉस्पिटल में भी नीचे खड़े होंगे आप लोग के लिए। तो चैन कहता है कि इस फूजिंग का भी कुछ करना होगा, इसको बहुत ज्यादा उल्टे सीधे काम करने में इंटरेस्ट आता है। फिर सेक्रेटरी बोलता है कि हमारी बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली, इस बीच में हम कोई भी नेगेटिव न्यूज अफोर्ड नहीं कर सकते, कंपनी के लिए बहुत बुरा होगा। और इसी बीच में चैन कुछ सोचने लगता है, फिर वो अपनी वाइफ को आवाज देता है, जिस पर कि मिंग तो बहुत ज्यादा चौकन्नी होकर तुरंत कहती है कि क्या हम चले डिवोर्स के लिए। तो वो कहता है कि आज हम नहीं जा पाएंगे। तो वो कहती है कि क्यों, लेकिन हम आज क्यों नहीं जा सकते हैं। तो वो बोलता है क्योंकि आज का मौसम खराब है। तभी वहाँ पे एक पेशेंट निकलते हुए बोलता है कि आज की धूप कितनी खिली हुई है और मौसम कितना ज्यादा अच्छा है, चलो बाहर टहलने चलते हैं। अब ये सुनकर चैन की चोरी पकड़ी जाती है, और यहाँ पे मिंग भी अपना मुंह बनाने लगती है कि ये तो ऐसी फर्जी बातें बना रहा है। और फिर हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मिंग कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, मैं करूँ क्या हॉस्पिटल में रहते हुए। ये सब सोच के वो बोर ही हो रही होती है कि तभी वहाँ पे तियांग का फोन आता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे हाय बोलती है, वो दोनों अच्छी से बातें करने लगते हैं। फिर तियांग उससे पूछती है कि तुम्हें वो डांसर याद है सुई, जो कि तुम्हारे हस्बैंड और उसके बीच के अफेयर के बारे में काफी रूमर्स चल रहे हैं, क्या वो सच है। लेकिन मिंग को सुई याद नहीं आ रही होती है कि तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। तो मिंग भी तुरंत कैमरा करके तियांग से पूछती है कि क्या तुम इसकी बात तो नहीं कर रही हो। तो तियांग भी तुरंत चौंक जाती है, कहती है ये यहाँ कैसे आ गई है। फिर अचानक से बोलती है कि मैं फोन रखती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे निकलना चाहिए, और ये कह के वो फोन रख देती है। फिर सुई भी मिंग को ग्रीट करती है और कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल में देखने आई हूँ। तो मिंग उससे कहती है कि तुम वही डांसर मिस्ट्रेस हो ना जो मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चला रही हो, मेरी शादी में इंटरफेयर कर रही है। सुई बोलती है कि मैं और चैन एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं प्रेगनेंट भी हूँ, तो बीच में तो तुम आ रही हो उसका मतलब। तो मिंग बोलती है ठीक है फिर बातों से कुछ नहीं होगा, मुझे पैसे ट्रांसफर करो। तो वो बोलती है पैसे, तो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें चैन फ्री में चाहिए, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तुम चाहती हो कि मैं उसे डिवोर्स दूं। जिस पर सुई भी खुशी खुशी रेडी हो जाती है और वो उसको $1,000 ट्रांसफर कर देती है। इतने कम पैसे देकर के मिंग का मुंह बन जाता है और वो उसे बोलती है कि मुझे लगा है तुम तो डांसर हो तो तुम्हें कम से कम कुछ तो पैसे देने चाहिए, इतने कम पैसे तुम लगाओगे चैन के लिए, इतने में क्या ही होता है आजकल। तो सुई उससे पूछती है कि तुम्हें कितने चाहिए। तो मिंग कहती है कि मुझे पर डे 10,000 चाहिए, इससे मेरा काम चल जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो ये सुनकर के सुई तो वहाँ से फौरन चली जाती है क्योंकि उसके पास कुछ जवाब ही नहीं होता। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे मिंग तियांग के स्टूडियो पहुँचती है और उसको देख करके तियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। तो मिंग बोलती है कि मैं तो पहले से ही ठीक हूँ, तुम लोग को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ।
तो उसके बाद चियानो से बोलती है कि तुम्हें पता है आज क्लास का रियूनियन है, तो क्या तुम चलोगे आज की पार्टी में? फिर ये मिंग बिल्कुल रेडी हो जाती है और बोलती है कि वहाँ पर लूचन भी आएगा, तो वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल आएगा तुम्हारा क्रश जो ठहरा। उसके बाद वो उससे कहती है कि ठीक है मुझे रेडी करो, और फिर आज रात की पार्टी के लिए चियानो रेडी करने लगती है। और आज रात की पार्टी में दोनों खूब मस्ती करेंगे ये डिसाइड करके दोनों पार्टी की तरफ चल देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं बार का, जहाँ पे पार्टी होती है, वो दोनों बड़ी ही ग्रैंड एंट्री लेती है। और फिर तभी उन दोनों को वेटर मिलता है, वो कहता है कि आपको अंदर जाने से पहले मास्क लगाना होगा क्योंकि ये एक मास्करेड पार्टी है और बिना मास्क के अंदर नहीं जा सकती, और उन दोनों को मास्क दे देता है। फिर वो दोनों अपनी ड्रेस की मैचिंग के हिसाब से एक एक मास्क ले लेती हैं और पहन लेती हैं। उसके बाद अंदर पार्टी में एंटर करती हैं। हॉल में अंदर एंटर करते ही मिंग चियान से पूछती है कि लुआन कहाँ है, तो वो दोनों लुआन को ढूंढने लगते हैं। लुआन मिंग का हाई स्कूल क्रश जो होता है। फिर मिंग इशारा करते हुए कहती है कि मुझे लगता है सामने जो बैठा है वही लुआन है। तभी टियांग मिंग को बताती है कि लुआन बहुत अच्छा डॉक्टर बन चुका है और वो अभी भी सिंगल है। तो ये सुनकर के वो मिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, तो कहती है तुम जाओ और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, तो लेकिन वो अगर नहीं माना तो तुमको क्या मेरी जरूरत है? तो बोलती नहीं मैं अपने आप से संभाल लूंगी, और अगर वो नहीं माना तो मैं उसको खूब ज्यादा ड्रिंक करवा दूंगी और ड्रिंक करके तो मान ही जाएगा। और ये कहकर मिंग वहां से निकल लेती है, लेकिन तभी उसको टियांग रोकती है, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। और फिर टियांग बोलती है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई कि तुम अब अल्कोहल ज्यादा पी नहीं सकती हो, सिर्फ एक ही ग्लास में तुम टून हो जाती हो। फिर उसकी फ्रेंड उसको बुलाती है तो टियांग वहां चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सेक्रेटरी दौड़ा दौड़ा चैन के पास आता है और वो बताता है कि सर आपकी वाइफ हाई स्कूल रियूनियन में गई, जहाँ उनका एक्स बॉयफ्रेंड लुआन भी आ रहा है, और मुझे लगता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को चेस करने के लिए गई हैं, हो सकता है कि डिवोर्स के बाद वो उसी के साथ सेटल होना चाहती हैं। तो ये सुनकर के चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे फाइल पटक देता है और वो बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। तो सेक्रेटरी कहता है कि मुझे लगता है आपको वहाँ पे जाना चाहिए, तो चैन कहता है कि आगे से इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेट आई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, और उसको गुस्सा करके भगा देता है वहाँ से। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं पार्टी का। यहाँ पर मिंग डॉक्टर लुआन के पास पहुँचती है और उससे वहाँ पहुँच के फ्लर्ट करने लगती है और उसको अपनी बातों में मनाने लगती है, और फिर उसके बाद वो उसको ड्रिंक करने के लिए इंसिस्ट करती है, तो वो उसको ग्लास बना करके ड्रिंक देती है, लेकिन फिर वो नहीं पीता है तो वो खुद ही पी जाती है। और फिर एक पैग में ही उसकी हालत खराब हो जाती है, वो अचानक से बहुत अजीब सा फील करती है, तो वो कहती है कि डॉक्टर लू मुझे एक्सक्यूज करना प्लीज, मैं वॉशरूम होकर के आती हूँ, और ये कह के वो वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वॉशरूम से बाहर आते ही उसे एक आदमी मिलता है जिससे वो लुआन समझ जाती है, और उसके बाद उस आदमी से वो फ्लर्ट करने लगती है, और वो उससे कहती है कि इतना हैंडसम फिगर, लगता है डॉक्टर लुआन भी मेरे बिना रह नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद वो उसको चेस्ट पे टच करने लगती है और कहती है ये तो करीब से और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम क्या सेटिस्फाइड हुई मेरे फिगर से और बॉडी देखकर? ये सुनकर मिंग खुशी खुशी हाँ बोल देती है। उसके बाद बोलता है कि तुम आगे और क्या करना चाहती हो, तो अचानक से वो चौंक जाती है और उसका मास्क निकालती है, तो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो चैन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा यहाँ पे लुआन है? तो उसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने लगता है ड्रिंक कर ली है, तुम क्या भूल चुकी हो कि तुम एक शादीशुदा औरत हो, इस तरह से रात में बार में ड्रिंक कर रही हो अकेले, और उस पर गुस्सा करने लगता है। तो मिंग भी उसको डांट देती है, वो बोलती है कि तुम्हें याद है क्या, तुम भी तो शादीशुदा है और तुम्हारे भी तो चर्चे चल रहे हैं अफेयर्स के, इसीलिए मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, और इसलिए मैं भी बाहर जाऊंगी और हैंडसम मैन को देखूंगी, इसमें गलत क्या है? ये कह के वो जाने लगती है, लेकिन चैन उसको तेजी से पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है और फिर उसके करीब जाके बोलता है कि अगर मिसेज हाउ अपने आप को बहुत लोनली और अकेला फील कर रही है तो मैं उनका हस्बैंड हूँ उनके लिए, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ, और तुम तो जानती भी हो कि मैं तुम्हें कितना अच्छे से सेटिस्फाई करता हूँ। ये सुनकर मिंग उसको मार के दूर कर देती है और कहती है कि भूलो मत हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत ख्याल रखो। ये सुनकर चैन कहता है कि अपनी बीबी के बारे में गलत ख्याल रखने का हक सबको होता है, तो मिंग कहती है कि तुम और तुम्हारी बातें। उसके बाद चैन बोलता है कि हमारी कंपनी एक बहुत जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और इस टाइम पे मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तरह की बातें हो जो हमारे कंपनी को इम्पैक्ट कर सकती हूँ, हम दोनों का डिवोर्स स्कैंडल को लेकर के बहुत बातें बनेंगी, इसलिए तुम डिवोर्स को भूल जाओ और इसके लिए मैं तुम्हें एक घर दे दूंगा और 10 मिलियन भी दे दूंगा। तो मिंग बोलती है कि बात पैसों की नहीं है, तो चैन कहता है कि ठीक है 30 मिलियन, लेकिन कोई जवाब ना पाकर के वो वापस से कहता है कि ठीक है 50 मिलियन, और 50 मिलियन सुनते ही वो तुरंत हाँ बोल देती है। तो चैन कहता है कि तुम एक नंबर की चालबाज औरत हो, और ये कहकर चिड़के वहाँ से चला जाता है। तो मिंग को भी उसके ऊपर हंसी आ रही होती है और वो हंसते हुए बार के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पे टियांग आती है और वो उसको पोस्ट कार्ड देती है और उसको दिखाती है कि हमने हाई स्कूल में अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए लिखा था, देखो ये रहा तुम्हारा कार्ड। तो मिंग भी खुशी खुशी अपना कार्ड पढ़ने लगती है और वो अपने बारे में उसने फ्यूचर के लिए लिखा होता है कि मैं फ्यूचर में इतने साल की हो चुकी हूँ और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, और उसको पढ़ते वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि अभी करंट में तो वो एक शादीशुदा औरत है और उसने कुछ भी अपने करियर में कुछ नहीं किया है। और फिर अपने पास की बात करने लगती है जहाँ पे वो बहुत ही एंथुसियास्टिकली बोल रही थी कि वो फ्यूचर में ब्लॉगर बनेगी, और टियांग कहती है कि वो फ्यूचर में स्टाइलिस्ट आर्टिस्ट बनेगी, और वो दोनों अपने फ्यूचर ड्रीम्स लेकर के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे मिंग ये सब सोच के बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं टियांग के स्टूडियो का, जहाँ पे वो उसके लिए कॉफी लेके आती है और बोलती है कि मिंग तुमने क्या सच में सोच लिया है कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली हो? तो मिंग बोलती है कि अपना करियर गिव अप करके मैंने शादी कर ली थी और हो सकता है कि डेस्टिनी ने मुझे दूसरा मौका दिया जिसमें मेरी शादी से जुड़ी सारी याददाश्त जा चुकी है, तो अब मैं अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं ये दूसरे मौके को खोना नहीं चाहती हूँ। तो टियांग बहुत खुश हो जाती है उसके लिए और उसके लिए क्लैप करती है और उसको बकअप करती है कि तुम्हें ये जरूर करना चाहिए और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेहनत से तुम बहुत ज्यादा सफल हो जाओगी। और फिर वो दोनों अपना काम स्टार्ट करते हैं एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोल के। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग वी ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे मिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ब्लॉगिंग करके उनको बता रही होती है कि तभी वहाँ पर चैन वान भी आ जाता है और वो मिंग से कहता है कि मिंग बाहर आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
तो मिंग टियांग को बोलती है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यहाँ पर चैंग मिंग से कहता है कि कल ग्रुप एनुअल मीटिंग है तो तुम्हें भी वहाँ पे होना होगा, जिसके लिए वो मना कर देती है। तो चैंग कहता है बोलो मैं तुमको 50 मिलियन दे रहा हूँ, और मिंग को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग पार्टी में एंटर करते हैं। पार्टी में सभी लोग मिस्टर और मिसेस हाउचन को देख करके बहुत ज्यादा क्लैपिंग करते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर पार्टी में एक गेस्ट को देख करके मिंग चैंग से बोलती है कि जहाँ तक मुझे याद है ये तुम्हारा दुश्मन फू युनजुंग है, लेकिन वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इसके साथ तुम्हारी डांस का गर्लफ्रेंड भी है। चैंग कहता है कि अपनी एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। तभी हम देखते हैं कि फू युनजुंग मिंग और चैंग के पास आता है और वो उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पे बिना बुलाए आ गया हूँ, तो आई होप मिस्टर हाओ की बात बुरी नहीं लगेगी, आखिर हम दोनों बिजनेस कंप्यूटर जो हैं। तो चैन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, इनफैक्ट हम लोग के यहाँ पे जो भी अनइनवाइटेड गेस्ट आते हैं उनको भी खाना खिलाते ही भेजते हैं और हमारे यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाता है, इसलिए डोंट वरी। तो ये सुनकर के फुनजुंग का तो मुंह बन जाता है। फिर वो बात बदलते हुए कहता है आपको तो पता ही होगा कि डांस ट्रेनिंग के दौरान सुई के पैर में स्प्रेन आ गया है, जिसकी वजह से वो अपने डांस करियर से थोड़ा ब्रेक ले रही है। ये सुनकर चैन सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये इसको फर्स्ट टाइम मालूम पड़ता है। उसको चुप देख करके मिंग सोचती है कि अपनी लवर के सामने इसके मुंह से अब बोलती नहीं निकल रही है और मुझसे कह रहा था कि मैं एक्टिंग में अपनी फोकस करूं, और इस तरह से ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए सुई कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, हालांकि अब मुझे डांस से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना होगा और मैंने सुना है कि चैन तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो इसके लिए मैं तुम्हें विशेष देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम लाइफ में बहुत सक्सेस हो जाओ ताकि तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिल पाए। जिसे सुनकर चैन सुई से थैंक यू बोलता है। और फिर तभी वहाँ पे फ्यूनजुंग बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये गॉड का प्लान है आप दोनों कपल को फिर से मिलाने का, आखिर आप लोग पुराने लवर्स तो ठहरे। जिसे सुनकर चैन को अजीब लगता है, वो मिंग की तरफ देखता है, लेकिन तभी वहाँ पे सुई फिर से बोलती है कि मैं चैन पे प्रेशर करना नहीं चाहती हूँ, ये चैन की मर्जी होगी। और फिर से एक बार वहाँ पे ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। तभी वहाँ पे मिंग बोलती है कि मिस्टर फूशेंग मुझे लगता है कि आपकी आंखें थोड़ी सी खराब है, तो क्यों ना मैं आपको एक आई स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर दूं, क्योंकि आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है कि चैन के साथ अब मैं हूं और मैं उनकी कपल हूं, और आप अगर मेरा नाम लेंगे तो वहाँ पे वो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी देगा। तो फ्यूनजुंग बस इतना सा ही मुंह बना के रह जाता है। तभी चैन कहता है कि अपनी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मेरी वाइफ थोड़ी सी मूडी और नॉटी है, उसको थोड़ा सा माफ करना। और साथ ही वो मिंग को भी एडमायर करते हुए देख रहा था कि तभी वहाँ पे मिंग सबके सामने बोलती है कि आज की पार्टी शुरू हो चुकी है, आई होप आप लोग सब लोग एंजॉय करें, और डिनर भी डाइनिंग हॉल में सर्व हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोग धीरे धीरे डाइनिंग हॉल की तरफ जाइए। आज मिंग का ये रूप देख के चैन मिंग से पूछता है कि तुम इतनी बोल्ड कब से हो गई हो, तो मिंग कहती है कि मुझे तो होना ही है, आखिर आप मुझे 50 मिलियन जो दे रहे हैं एक्टिंग के लिए, नहीं तो वो फ्यूजिंग हमारे बारे में रूमर्स फैला के कंपनी के शेयर्स डाउन कर देता, और अगर कंपनी अच्छा नहीं करेगी तो मेरे 50 मिलियन कहाँ से आएंगे। फिर वो सुई से कहती है कि आपके पैरों में तो दिक्कत है तो आपको उस हॉल में नहीं जाना चाहिए, तो क्यों ना आपको मिस्टर हाउचेन ही कंपनी दे देंगे। ये कह के वो चैन को सुई की तरफ धक्का देके वहाँ से निकल जाती है। और फिर दूसरे हॉल में हम देखते हैं कि मिंग कुछ लेडीज के साथ बैठ के अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रही होती है, तो सब लोग उसके स्किन का सीक्रेट पूछ रहे होते हैं, तो उनको बताती है अपने ब्रांड के बारे में जो कि उसने वी ब्लॉगिंग में शुरू किया था, और इस तरह से वो अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रही थी और अपने सेल को बढ़ा रही थी। और फिर तभी वहाँ पे सुई आ जाती है और वो मिंग से कहने लगती है कि ये हु ग्रुप की एनुअल मीटिंग का फंक्शन है ना कि तुम्हारी ब्रांड प्रमोशन की पार्टी, तुम इस तरह से इस पार्टी में अपने ब्रांड प्रमोशन नहीं कर सकती हो, अगर ये बात फ्यूचर को मालूम पड़ेगी तो उसको कितना एम्बेरसमेंट होगा, आखिर फ्यूचर में मैं और चैन साथ होने वाले हैं तो मुझे चैन के बारे में सोचना होगा अभी से, क्योंकि ये सब उसकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो मिंग उससे बोलती है कि पहली बात ये फ्यूचर में होगा, अभी तुम चैन के साथ नहीं हो, और मैं जो कुछ भी करती हूँ ये तुम्हारा मैटर नहीं है, इसको होचन संभाल लेगा और वो देख लेगा, क्योंकि उसकी कंपनी है, मैं उसकी कंपनी की पार्टी में कुछ भी करूँ, तो तुम्हें अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम तब चिंता करना। इन दोनों की आपस की बहस हो ही रही थी कि तभी वहाँ पे मिंग की मदर इन लॉ आ जाती है और वो मिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, और साथ ही वो सुई को भी डांट लगाती है कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, और फिर वो मिंग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, क्या ये सच है? तो मिंग कहती है हाँ। तो उसकी मदर इन लॉ खुश होकर सारी लेडीज को बोलती है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ के लिए खुश हूँ बहुत, और आप सब जो लोग भी उनको सपोर्ट करोगे उसके बिजनेस को, मैं आप सब लोग को फ्री में एक वाउचर दूंगी। ये सुनकर मिंग खुश हो जाती है, लेकिन सुई का तो मुंह बन जाता है कि तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है, वो पूछता है यहाँ पे क्या चल रहा है, तो सुई उसको बताती है कि किस तरह से मिंग अपने ब्रांड की प्रमोशन कर रही है और ये तुम्हारी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो मैंने उसे मना किया लेकिन वो मुझे गलत समझ रही है। फिर वो सोचती है कि अब देखती हूँ कि चैन तुम्हारा क्या हाल करता है, लेकिन फिर चैन मिंग की तरफ बढ़ता है और उसको देख रहा होता है कि उसको अपनी तरफ करते हुए बोलता है कि मेरी वाइफ कम्प्लीटली फ्री है कि वो जो करना चाहे वो कर सकती है, उसके हस्बैंड होने के नाते मैं उसको सपोर्ट ही करूंगा हमेशा। तो ये सुनकर के मिंग सोचती है कि मिस्टर हाउ चैन भी कम नहीं है अपनी एक्टिंग में, वो भी गया माहिर एक्टिंग करने, और ये सब देख के सुई मनी मन जल भुन जाती है, और मिंग भी इधर सोचती है कि नॉट बैड मिस्टर हाउचेन, आप भी बहुत माहिर हो। और ये सारा तमाशा देख करके उसकी मदर इन लॉ को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बेटे और बहू कितना आपस में प्यार है, और वो सबके सामने बोलती है कि मेरी डॉटर इन लॉ लाखों में एक है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। तो मिंग को भी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और साथ में हम भी क्लियरली देख सकते थे कि चैन को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है ये सब कुछ देख करके। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो तीनों आपस में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ मिंग की मदर इन लॉ कहती है कि फाइनली आज की पार्टी तो बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, तो मुझे लगता है कि हम तीनों को सेलिब्रेट करना चाहिए एज अ फैमिली। इस बात पर उसकी मदर इन लॉ फिर टोस्ट करती है और उन दोनों को भी ड्रिंक करने के लिए इंसिस्ट करती है, जिस पर चैन कहता है कि मॉम मिंग ड्रिंक नहीं कर सकती है, और फिर उसी का ग्लास लेकर के वो ड्रिंक कर लेता है। तो उसकी मॉम उसे रोकती है कि ये ग्लास तो मिंग का था, फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि तुम एक दिन तो मिंग को ड्रिंक करने दे सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
तो वो मिंग के आगे ग्लास कर देती है, लेकिन मिंग भी पीने में हिचकिचा रही होती है, तो चेन फिर से वो ग्लास उठा के ड्रिंक कर लेता है। और इस तरह से वो मिंग के हिस्से की भी ड्रिंक किए जा रहा था। अब ये सब तमाशा देखकर कि मिंग ना चाहते हुए भी ड्रिंक करना पड़ता है, और वो खड़े होकर बोलती है अपनी मदर इन लॉ से कि आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं एक ग्लास तो पी सकती हूँ। और उसके बाद वो भी उठा करके एक ग्लास ड्रिंक कर लेती है, जिसको देख करके चेन सोचता है कि ये क्या तमाशा है, अब इसका हालत खराब हो जाएगी। और उस ग्लास को ड्रिंक करने के बाद ही मिंग की हालत भी खराब होने लगती है, तो वो अपनी मदर इन लॉ को बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना होगा, और ये कह के वो वहां से निकल लेती है। फिर उसकी मदर इन लॉ भी अपने बेटे चेन से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसके पीछे जाना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो चेन भी कहता है कि हाँ मां, मेरा भी सर घूम रहा है, पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहा है, तो मैं भी रूम में जाता हूँ सोने के लिए। और ये कह के वो भी वहां से चला जाता है। और इधर फिर मॉम भी खुश होकर सोचती है कि लगता है इन दोनों के बीच सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। और फिर इधर हम देखते हैं कि चेन और मिंग दोनों रूम में आते हैं, और वो यहाँ पे आके देखते हैं कि बेड तो बहुत अच्छे से सजा हुआ है। तो ये देख करके वो दोनों तो पहले चौंक जाते हैं कि ये क्या तमाशा है। उसके बाद वो दोनों आते हैं कमरे के अंदर, जहाँ पे मिंग कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों इस रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, मुझे लग रहा है कि शायद एसी ऑन नहीं होगा, तो मैं क्यों ना एसी ऑन करके आती हूँ। तो वो एसी का स्विच ढूंढने के लिए जाती है इधर उधर, लेकिन फिर गलती से ही वो चेन के ऊपर गिर जाती है। और यहाँ पे इन दोनों को ही बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, दोनों बहुत नशे में होते हैं। चेन तो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसकी माँ का किया जा रहा है, और वो अपने आप से कहता है कि अपने आप को कंट्रोल करो चेन, तुम अभी ये सब कुछ नहीं कर सकते हो मिंग के साथ, क्योंकि हम दोनों नशे में हैं। फिर मिंग कहती है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, पता नहीं क्यों, और वो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो चेन कहता है कि तुम्हें कंट्रोल करना होगा, जैसे मिंग कहती है कि नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और इधर चेन भी अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आपको बार बार रिमाइंड करता है कि तुम्हें कंट्रोल करना होगा। और मिंग भी बार बार कही जा रही थी कि उसे कंट्रोल अब नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली चेन भी अपना कंट्रोल खोते हुए बोलता है मिंग से कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब, क्योंकि तुम ऐसा चाहती हो। और वो फिर अपनी टाई को लूज करता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो मिंग उल्टा उल्टी कर देती है, क्योंकि वो वॉमिट करने की बात कर रही थी, वो उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे मिंग चेन को देखती है अपने बिल्कुल बगल में, और उसको बेड से लात मार के नीचे गिरा देती है, और उससे घबराते हुए कहती है कि हमारे बीच में कल रात जो भी हुआ उससे हमें रिस्पांसिबिलिटी लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमारा डिवोर्स जैसा प्लान है हम वैसे ही डिवोर्स लेंगे। तो चेन उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने कल रात मेरे ऊपर उल्टी कर दी थी, तुमने पूरा वॉमिटिंग कर दिया था, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिससे सुनकर मिंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन फिर तुरंत ही कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी चेन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो मिंग सोच के घर पर जाती है कि ऐसा तो नहीं तुम वॉमिटिंग के लिए मुझसे कंपनसेशन मांगोगे, मैं 50 मिलियन से एक भी पैसा कम नहीं लूंगी अपने इस एक्टिंग के लिए। तो फिर चेन उठते हुए कहता है कि मिंग मैं तुमसे डिवोर्स लेना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी फिर से एक शुरुआत करना चाहता हूँ। ये सुनकर के मिंग तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिंग के पास उसकी फ्रेंड आती है टियांग उसको विजिट करने के लिए, और वो अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेके आती है, और वो ये भी बताती है कि पिछली बार का वीव्लॉग तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा और उसके बहुत ज्यादा मिलियंस में फॉलोवर्स हो गए हैं। और फिर मिंग टियान को बताती है कि चेन इस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहता है, और वो मुझसे कह रहा है कि क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो टियांग उससे पूछती है कि फिर तुमने क्या सोचा है। तो मिंग कहती है कि इतने टाइम साथ रहने के बाद मुझे वो अच्छा लगने लगा है, और शायद मैं उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइक करने लगी हूँ, और हो सकता है कि वो मुझे मेमोरी जाने से पहले से पसंद करता होगा, इसलिए वो इतने एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा और एफर्ट करे। तो टियांग कहती है हाँ बिल्कुल सही। तो मिंग कहती है कि मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए फ्लावर्स लाए। तो टियांग बोलती है हाँ कम से कम केक भी होना चाहिए। तो मिंग कहती है हाँ और बुके भी होना चाहिए। और इस तरह से वो दोनों परफेक्ट डेट की डिटेल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि मदर इन लॉ इन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है, साथ ही वो चेन को भी फोन पे सब कुछ बता रही होती है कि तुमने सुन लिया ना किस तरह की डिटेल्स मेरी बहू चाहती है, तो तुम्हें इस तरह से ही पूरा प्लान करना होगा, अब जाओ अपनी वाइफ को मनाने में लग जाओ, मैं किसी भी तरह की कोई कमी नहीं चाहती हूँ मेरी बहू के लिए, और अगर इस बार मेरी बहू नहीं आई तो तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो चेन भी कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं इस बार मैं उसको मना के रहूंगा। और फिर हम इवनिंग में देखते हैं कि चेन ने सारी तैयारी करके रखी होती है, और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी लाइंस अपने असिस्टेंट के सामने। इधर इसका असिस्टेंट भी उसके मजे ले रहा होता है, साथ ही उसे गाइड भी कर रहा होता है कि उसे किस तरह से लेडी को समझाना है। और इधर हम देखते हैं कि मिंग के पास चेन का वॉइस नोट आता है, जहाँ पे वो बोलता है कि अपनी पुरानी जगह पे 7 बजे आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे। अब मिंग की मेमोरी में तो ओल्ड प्लेस कहीं होता ही नहीं है, तो वो अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालती है सोचने के लिए कि ओल्ड प्लेस कहाँ है, और इसी जोर डालने की वजह से उसकी मेमोरीज में उलट पुलट हो जाती है। और साथ में हम देखते हैं कि उसको उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आने लगती है, जहाँ पे उसे याद आता है कि उसके साथ किस तरह से चेन ने बिहेव किया था, जैसे कि जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो चेन उसको बस ये बोलने आया था कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो तुम क्या ये अकेले संभाल सकती हो। तो मिंग उसको सपोर्ट करते हुए बोलती है कि हाँ ठीक है मैं अपना हॉस्पिटल देख लूंगी, तुम अपनी मीटिंग देखो। फिर देखते हैं हम कि मिंग चेन के साथ मिंगल होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चेन अपनी मीटिंग्स में और फाइल्स में अटका होता है, वो अपने लैपटॉप में लगा होता है, जहाँ पे वो मिंग को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। फिर एक रात बहुत जोरों का आंधी तूफान आया होता है, जहाँ पे मिंग चेन को फोन करती है, लेकिन चेन फोन उठाते ही ये बोल देता है कि वो बहुत बिजी है अभी काम में, उसे डिस्टर्ब ना करे, और इतना सा करके फोन काट देता है, उसे बोलने का मौका भी नहीं देता है। और किस तरह से सुई उसको अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा करके ये बोलती है कि ये चेन का बच्चा है,
और हम दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो तुम्हें हम दोनों का बीच से चला जाना चाहिए। इनकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है और इसे इस बात का बहुत दुख होता है। फिर वो चेन से बोलती है कि तुम्हें जो भी कहना है तुम फोन पे कहो, मैं तुम्हारे पास में नहीं आ सकती हूँ। तो चेन उसे पूछता है कि क्या तुम सच में नहीं आ सकती हो, तो मिंग कहती है कि हाँ मैं सच में नहीं आ सकती हूँ। तो चेन उससे फोन पे ही कह देता है कि क्या हम दोनों फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता हूँ। तो मिंग कहती है कि मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे दोबारा शादी करके वही लाइफ जी सकूँ और फिर से अपने आप को मैं अपनी जिंदगी में अकेला देखूँ और तुम्हारा बस हमेशा इंतजार करती रहूँ। मुझे लगता है जिंदगी के जो पल बचे हैं मैं उन्हें अच्छे से जीना चाहती हूँ, अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों में मैं खुश होना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारा इंतजार करती रहना चाहती हूँ। तो ये सुन के चेन कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया मतलब, और वो पूछता है कि क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो। इससे पहले ही वो फोन काट देती है और फिर फोन में उसकी रिपोर्ट देखती है जो कि सुई की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी, और वो ये रिपोर्ट चेन को भी भेज देती है। चेन भी शॉक होकर के वही रिपोर्ट देख रहा होता है कि तभी पीछे से सुई आ जाती है और उसको हग कर लेती है। इसे देख करके चेन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और सुई बोलती है कि मैंने सुना कि तुम सैड हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई इमोशनली सपोर्ट करने के लिए। तो चेन उससे पूछता है कि क्या तुम मिंग को भी मिलने गई थी और तुमने ये मिंग को झूठी रिपोर्ट दिखा करके उसको डिवोर्स लेने के लिए मजबूर किया है मुझसे। तो सुई भी फिर अपनी झूठी सफाई देने लगती है, लेकिन चेन उसकी बात नहीं सुनता है। वो उससे गुस्से में कहता है कि मैं तुमको क्लियरली रिजेक्ट कर चुका हूँ बहुत पहले, लेकिन तुम ये बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो सुई उससे कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ चेन, मैं बहुत साल पहले तुम्हें छोड़ करके अब्रॉड चली गई थी अपने डांस के लिए, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं था अब्रॉड में जब मैंने तुमको मिस ना किया। मैं फिर से अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और क्या हम दोनों फिर से अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। चेन कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो बल्कि मेरी इस पोजीशन मिस्टर हाउ की पोजीशन से प्यार करती हो, और मैं सिर्फ मिंग से प्यार करता हूँ और मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। तो सुई बोलती है कि मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह से किसी औरत के लिए परेशान और केयर करते हुए देखा है, तुम शायद वाकई में मिंग से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। एक टाइम था कि मैंने तुम्हें इस जगह रिजेक्ट किया था और आज तुम ही मुझे इस जगह रिजेक्ट कर रहे हो। ये मेरा कर्म है जो मुझे लौट के मिल रहा है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे मेरी लर्निंग्स मिल चुकी है, तो मैं तुम दोनों को सपोर्ट करती हूँ और तुम लोगों के लिए प्रे और विशेस भी देती हूँ और एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम 10 साल पहले फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे चेन ने सुई के लिए सब कुछ अरेंज किया होता है, लेकिन वहाँ पे सुई का तभी फोन आता है। वो बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा डांस ऑफर मिल चुका है, मैं अब US जा रही हूँ और तुम्हारे प्रपोजल के लिए आई एम रियली सॉरी, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, हम फिर कभी देख लेंगे। लेकिन चेन उसको बहुत ही खुश अंदाज में उसको सपोर्ट करता है। वो कहता है कि वो उसे वेट करेगा हमेशा और वो उसको तहे दिल से चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेस करे और बहुत नाम कमाए। लेकिन सुई उसकी बिना पूरी बात सुने ही फोन रख देती है और सैड होके बेचारा चेन भी फोन रख देता है। और इधर हम देखते हैं कि मिंग भी अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए आ रही होती है जहाँ पे उसने भी उसको हिच कर दिया था और वो उसके साथ नहीं आया था मूवी देखने के लिए, और वो उसको बोलती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, हर बार मुझे इस तरह से धोखा दे देते हो। और ये कह के वो गुस्से में फोन रख देती है। ये सब चीजें चेन भी देख रहा होता है कि तभी मिंग भी देखती है कि किसी एक लड़के ने वहाँ पे बहुत ज्यादा अरेंजमेंट किया है। तो मिंग उससे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया क्या, लगता है तुम्हारी सारी मेहनत तो खराब हो गई है। तो चेन भी उसको बोलता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी तो तुम्हें धोखा दे दिया है, वो भी तो तुम्हें मूवी पे डिच कर गया। तो मिंग तुरंत मना कर देती है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैंने ही उससे आज ब्रेकअप कर लिया है। फिर मिंग हंसते हुए उसका नाम पूछती है उससे, तो चेन भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि मेरा नाम हाओ चेन है और तुम्हारा। तो मिंग भी उससे हाथ उड़ा के आगे हैंडशेक करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम है लियान मिंग मिंग। और इस तरह से उन दोनों की पहली मुलाकात इस जगह पे हुई थी, इसलिए वो लोग इस जगह को ओल्ड प्लेस बोलते थे। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे सेक्रेटरी चेन को मिंग के सारे प्लान्स बता रहा होता है और वो बोलता है कि बहुत ही जल्द मैडम का एक शूट होने वाला कमर्शियल जिसमें वो प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में सबको बताने वाली हूँ, तो आपके पास एक मौका है फिर से अपने प्यार को इजहार करने का, आप वहाँ पे जा सकते हो। और तभी सेक्रेटरी टिकट्स निकालता है कि मैंने आपकी बुकिंग ऑलरेडी कर दी है तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं मिंग का प्रोडक्ट लॉन्च का इवेंट जहाँ पे वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आई होती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है और वो अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स दे रही होती है ऑडियंस को, और उसको देखकर के ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है क्योंकि आजकल वो इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी होती है। ऑडियंस से प्रोडक्ट डिटेल्स शेयर करने के बाद फिर वो लोग नेक्स्ट राउंड में लकी ड्रॉ कूपन निकालते हैं जो कि ऑडियंस में से ही कोई होते हैं जो कि स्टेज पर आएंगे। फिर वो देखते हैं कूपन 52 नंबर निकला होता है जो कि चेन का ही नंबर होता है 52। उसका असिस्टेंट याद लगता है कि आपका नंबर 52 है, आपको स्टेज पे जाना चाहिए और अपने दिल की बात सबके सामने मैडम से कह देनी चाहिए। तो चेन उससे बोलता है कि तुम मुझे बार बार सिखाओ मत मुझे कैसे अपनी वाइफ को खुश करना है, मैं जानता हूँ आखिर मैं उसके साथ 10 साल जो रह चुका हूँ। और ये कहकर वो मिंग की तरफ बढ़ लेता है। मिंग भी उसको देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मिंग भी फिर उसके ऊपर प्रोडक्ट टेस्टिंग शुरू कर देती है, वो क्रीम निकालती है और उसके चेहरे पे लगाती है, तो उस पर अप्लाई करती है कि उसका हाथ चेन पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि मिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम जब घर में नहीं हो तो मुझे खाली घर बहुत अकेला लगता है और मैं अपने आप में बहुत अकेला फील करता हूँ, तो अब मुझे समझ में आया है कि तुम कैसा फील करती होगी मेरे पीछे से, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, प्लीज़ घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी इस तरह से दोबारा फील नहीं कराऊंगा, तुम हमेशा मेरी अटेंशन रहोगी बनके जैसे मैं तुमको पहले हमेशा अटेंशन और प्यार देता था, और मैं सोचता था कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ही करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा करियर भी उतना इंपॉर्टेंट है और तुम्हें भी अपने करियर में आगे बढ़ता हुआ देखकर मुझे बहुत
बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे माफ करके एक बार फिर से चांस नहीं दे सकती हो? क्या हम फिर से एक बार आगे नहीं बढ़ सकते हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं ये बात जानता हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा और मैं तुम्हें पूरा टाइम दिया करूंगा। प्लीज हाँ बोल दो, प्लीज वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता है, मैं बहुत ज्यादा अकेला हो गया हूँ। मिंग बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चेन उसे रोक लेता है और कहता है कि प्लीज रुक जाओ, और अगर तुम जाना चाहती हो तो फिर मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता हूँ एक पल भी और कहीं भी, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और इस तरह से वो अपने प्यार का इजहार करता है सबके सामने, और ये बात तो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है और सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि सुई भी उनकी इस लव स्टोरी को देख रही होती है। अब क्योंकि उसकी अकल ठिकाने आ चुकी होती है, इसलिए वो भी उनके लिए खुश होकर के लाइफ में मूव ऑन कर लेती है। और हम देखते हैं कि वो अपने एक डांस अकेडमी में खोल करके अपने डांस के बच्चों को प्रिपेयर कर रही होती है और उनको ट्रेन कर रही होती है। साथ ही हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे सुई मिंग से मिलकर के उसको सारी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट कभी थी नहीं और उसके और चेन के बीच में कुछ भी नहीं था, वो लोग सिर्फ एक दोस्त थे। 10 साल पहले उसने चेन को रिजेक्ट किया था और तब से उनके बीच में कुछ भी नहीं है। चेन ने इन 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ मिंग से प्यार किया है, तो ये सच्चाई जानने के बाद मिंग भी बहुत खुश हो जाती है। वो भी सुई को बोलती है थैंक यू ये सब बताने के लिए, उसके और चेन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, तो सुई भी उसको वेलकम करती है। और इसी के साथ हमारी ये शॉर्ट और लवली लव स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। साथ ही आगे की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।